नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। किसान भाइयों, आज हम गन्ना किसानों के लिए दो खबरें लेकर आए हैं। सब्सक्राइब कीजिए एसटीआर खेती चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हम अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। अच्छी खबर यह है किसान भाइयों, जो हमारा भुगतान 2017-18 पेराई सत्र का पड़ा हुआ था, उसका भुगतान चीनी मिलों ने करना शुरू कर दिया और बहुत से चीनी मिल इसका भुगतान कर चुके हैं। यानी जो शेष बकाया हुआ हमारा गन्ना का भुगतान था वो कर चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो शायद इस हफ्ते तक पूरा कर लें। किसान भाइयों, जो दूसरी बात है, दूसरी बात ये है कि गन्ने के मूल्य की बात हम करेंगे। तो पेराई सत्र जो है 2018-19 में गन्ने के मूल्य में क्या प्रस्ताव रखा गया, क्या निर्णय हुआ, इसकी बात हम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम बता दें, पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में जो परिवर्तन हुए हैं, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि बिजली की बात की जाए तो बिजली जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल काफ़ी महंगी मिलने लगी है। यदि बात करी जाए तो प्रति महीने लगभग 200 रुपये हमको अधिक देना पड़ रहा है बिजली का बिल। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं डीजल की, तो डीजल में भी लगभग 10 से 12 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं खाद की, तो खाद की भी बात करें यहाँ पर किसान भाइयों, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार खादें भी महंगी हो चुकी हैं। और बात करते हैं कीटनाशकों की, तो कीटनाशकों का मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, तो हम कह सकते हैं कीटनाशक भी हमको इस बार महंगे मिले हैं। अब बात करते हैं गन्ना मूल्य पर, तो पिछले साल जो निर्धारित किया गया था सत्र 2017-18 में, वो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगेती किस्म जो थी उसका मूल्य 325 रुपये था, और सामान्य किस्म थी उसका मूल्य 315 रुपये था, और जो रिजेक्ट प्रजाति थी उसका मूल्य 310 रुपये था। तो ये तो रही सन 2017-18 की, और इसी उम्मीद से हमें एक उम्मीद बनी हुई थी कि इस वर्ष जो है 20 से 25 रुपये गन्ने की वृद्धि ज़रूर होगी, और जो लगभग हमारा गन्ना इस वर्ष बिकने वाला है तो 350 रुपये तक हमारा गन्ना बिक जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि पेराई सत्र 2018-19 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं की है। यानी जो निर्धारित मूल्य किए गए थे पिछले वर्ष, वही निर्धारित मूल्य इस बार भी किए गए हैं। तो पिछले वर्ष की बात की जाए तो 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई थी, लेकिन इस बार जो बात की जाए तो इस बार गन्ने के मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, जिससे किसान काफ़ी निराश हो चुके हैं। क्योंकि डीजल, खाद, दवा और बिजली की बात की जाए तो उस पर काफ़ी महंगाई आ चुकी है, तो उसके साथ साथ हमारे गन्ने का मूल्य भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं की है। तो किसान भाइयों, अब जो भी रेट निर्धारित है हमको इस साल जो है सराय सत्र में, इसी रेट पर हमको भुगतान मिलेगा और इसी रेट पर हमको बेचना पड़ेगा। तो आशा है किसान भाइयों, इस जानकारी को हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपको जो जानकारी मिली है वो अच्छी मिली है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जानकारी तो अच्छी नहीं है, लेकिन जो सूचना आपको हमने दी है वो एक निर्धारित मूल्य कर दिया गया, उसी के आधार पर हमने सूचना दी है। और इसको आप अमर उजाला में प्रकाशित हो चुकी है खबर, इसको आप अमर उजाला में देख सकते हैं और अन्य पत्र पत्रिकाओं में देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जानकारी आगे किसान भाइयों में भेज देना, जिससे कि अन्य किसानों को जानकारी मिल सके। यानी हमारे कहने का मतलब है, आप वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ किसी नई खबर में। इसी के साथ धन्यवाद।